गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको बसेस के बारे में बताता हूँ। एक्सटेंशन बसेस, कंप्यूटर की भाषा में बस फिजिकल कनेक्शन का ऐसा समूह होता है, बस फिजिकल कनेक्शन का ऐसा समूह होता है जो तार सर्किट आदि से मिलकर बना होता है, जो तार सर्किट आदि से मिलकर बना होता है। कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए विभिन्न हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ता है। पाथवे की संख्या कम करने के लिए बस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इन्हीं पाथवे की सहायता से डेटा चैनल पर कम्युनिकेशन पूरा किया जाता है। कभी कभी इसको डेटा हाईवे नाम से भी बुलाया जाता है। किस नाम से? डेटा हाईवे नाम से भी बुलाया जाता है। क्लियर है। यदि लाइन में केवल दो हार्डवेयर कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसे सिस्टम को हार्डवेयर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये हमारी बस बताया था आपको, हमको अपने हार्ड डिस्क को या सीडी रोम को मदरबोर्ड से जोड़ना है तो हम लोग इस प्रकार की बसेस का प्रयोग करते हैं। इससे डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है। अब हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं बस की, पहले फिर इसको आप डिस्क्राइब करते हैं। बस में एक बार के ट्रांसमिशन की के लिए जानकारी उपस्थित होती है। यह जानकारी बिट्स के रूप में मौजूद होती है। किस रूप में होती है? बिट्स के रूप में, BITS, जो इन फिजिकल लाइन से जोड़ती है, जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर। किस रूप में हमारी जानकारी होगी? बिट्स के रूप में। एक 32 एक जो होता है 32 तारों वाले रिबन केबल की सहायता से एक साथ 32 बिट ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? एक 32 बिट तारों वाले रिबन से, जैसे वाली मान लीजिए 32 बिट रिबन है तो इसमें एक साथ कितने होंगे? 32 बिट्स डेटा ट्रांसफर होंगे। वहीं दूसरी ओर बिट्स का प्रयोग एक बस द्वारा एक बार ट्रांसफर की गई बिट्स की संख्या को बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए? बिट्स का प्रयोग एक बस द्वारा एक बार ट्रांसफर की गई बिट्स की संख्या को बताने के लिए किया जाता है। क्लियर है। बस की स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी एवं प्रति सेकंड ट्रांसफर किए गए डेटा पैकेट। बस की स्पीड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी एवं प्रति सेकंड ट्रांसफर किए गए डेटा पैकेट पर डिपेंड करती है। प्रत्येक बार में डेटा ट्रांसफर को साइकिल कहा जाता है। जो प्रत्येक बार में डेटा आपका इधर उधर ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। क्लियर है। इन रास्तों से सर्वाधिक ट्रांसफर स्पीड प्राप्त की जा सकती है। बस एक बस जिसकी बिट 16 बिट्स है, बिट समझ रहे ना? बिट का मतलब हुआ एक बस द्वारा एक बार ट्रांसफर किए गए बिट्स की संख्या। ठीक है। तो जो ट्रांसफर स्पीड है, एक बस जिसकी बिट 16 बिट्स है एवं फ्रीक्वेंसी 133 मेगाहर्ट्ज़ है तो उसकी ट्रांसफर स्पीड होगी, कितनी होगी? 16 × 132.10 =
2128 इंटू 10 की पावर बिट्स पर सेकंड होगी। क्लियर है? अब देखिए इसकी हम लोग आर्किटेक्चर कैसे समझते हैं, कैसे होता है। वास्तव में बस में 50 से 100 अलग अलग फिजिकल लाइन होती है। बस में 50 से लेकर 100 तक अलग अलग फिजिकल लाइन होती है, जो आगे भी तीनों भागों में बटी होती है। एड्रेस बस, जिसको मेमोरी बस के नाम से भी जाना जाता है, मेमोरी एड्रेस को आगे बढ़ाता है, जिसकी आवश्यकता प्रोसेसर को डेटा रीड या राइट करने के लिए होती है। डेटा बस प्रोसेसर से आने वाले या उसको जाने वाले जो कमांड या निर्देश है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कंट्रोल बस या कमांड बस जिसको बोलते हैं हम लोग, जो इंस्ट्रक्शन है को ट्रांसफर कर सिग्नल को सिंक्रोनाइज करता है। यह सिग्नल कंट्रोल यूनिट से हार्डवेयर कंपोनेंट तक जाता है। क्लियर? अब मुख्य बस क्या होती है, मेन बस। एक कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो बस होती है। एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितनी बस होंगी, दो बस होंगी। इंटरनल बस या फ्रंट बस, इंटरनल बस या फ्रंट साइड बस को शॉर्ट में हम लोग एफएसबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफएसबी भी बोलते हैं। यह बस प्रोसेसर को कंप्यूटर की सेंट्रल मेमोरी रैम या रैम से जोड़ता है। इंटरनल बस या फ्रंट साइड बस मतलब एफएसबी, फ्रंट साइड का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, एफएसबी। ये क्या करेगा, प्रोसेसर को कंप्यूटर के सेंट्रल मेमोरी रैम से क्या करता है, जोड़ता है। सेंट्रल मेमोरी रैम जो है या फिर रैम से तो क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करेगा। दूसरी बात, एक्सपेंसेस बस या आउटपुट मदर बस मदरबोर्ड से संबंधित कंपोनेंट जैसे यूएसबी, सीरियल एवं पैरेलल पोर्ट, हार्ड ड्राइव, सीडी रोम, सीडी रीड राइट ड्राइव इत्यादि को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यह आपका क्या है, आउटपुट बस है, एक्सपेंशन बस है। ये क्या करता है, हार्ड डिस्क को आपको मदरबोर्ड के, जो मदरबोर्ड है उससे हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कौन सी बस हुई है, देखिए एक्सपेंसर्स बस है। इंटरनल बस, समझ में आया, प्रोसेसर को रैम से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। किससे होता है, क्या बताया, इंटरनल बस प्रोसेसर को क्या करता है, रैम से जोड़ता है। ये एक्सपेंसिव बस है या आउटपुट बस जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारे यूएसबी, हार्ड डिस्क, सीरियल और पैरेलल पोर्ट आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? दो प्रकार की बसों को यूज करते हैं, इंटरनल बस या फ्रंट साइड बस एफएसबी या एक्सपेंसेस बस। ये आपकी एक्सपेंशन बस कहलाएगी, या इसको हम लोग आउटलुक बस भी बोल सकते हैं। क्लियर? चिपसेट, चिपसेट मैं आपको बता चुका हूं, कंप्यूटर और बस को जोड़ने के लिए, कंप्यूटर और बस को, बस हो गई, कंप्यूटर से इसको जोड़ने के लिए चिपसेट का प्रयोग किया जाता है। इसी की सहायता से बस और कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर का कार्य पूरा होता है। यह कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चिप से मिलकर बना होता है, बताया था आपको। यह मुख्य दो भाग होते हैं, पहला नॉर्थ बिच, दूसरा साउथ बिच। नॉर्थ बिच को हम लोग मेमोरी कंट्रोलर बोलते हैं, साउथ बिच इसको आउटपुट कंट्रोलर भी बोलते हैं, बता चुका हूं आपको, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से।
कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब दोनों बिट्स, बस का कम्युनिकेशन कभी तभी पूरा हो जाए जब दोनों बिट्स एक समान हो। इसलिए रैम को जोड़ने में इंस्टॉल किया गया, इसीलिए रैम को जोड़ों में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे पोटेशियम चिप में 32 बिट प्रोसेसर में 32 प्रोसेसर में दो अलग अलग बस लगती है। क्लियर है? इस प्रकार से हमने जो आपको बताया बस के बारे में कि बस कैसे काम करता है, कैसे इसमें यूज होता है। अब देखिए, जैसे हमारी ये बस है, ये हमने बताया कि मदरबोर्ड से ये आपके एक्सटर्नल बस है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी। ये आपकी कहाँ कनेक्ट होगी? यहाँ पे। ये मदरबोर्ड हार्ड डिस्क आपकी यहाँ कनेक्ट होगी। ये कनेक्ट हो गया हार्ड डिस्क, और बड़ा कर दूँगा आपको। ये देखिए कनेक्ट हुआ, ये हार्ड डिस्क एक छोर इसका ये हार्ड डिस्क में कनेक्ट हुआ, दूसरा छोर आपका कनेक्ट होगा मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा। दूसरा बोर्ड कहाँ कनेक्ट होगा? मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होता है, दिख रहा है? ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ये है, इसको दूसरा सिरा में यहाँ कनेक्ट कर दिया। अभी आपकी बस, अब यहाँ से हार्ड डिस्क का जो डेटा है, ये जो डेटा है, फिगर बड़ा करता हूँ, ये जो डेटा है, जो हार्ड डिस्क में जो हमारा डेटा है, ये डेटा का आदान प्रदान किसके माध्यम से होगा? एक्सटर्नल बस जो आपको बताया, और बस जो है इसके माध्यम से हमारा डेटा यहाँ से मदरबोर्ड में जाएगा, यहाँ से प्रोसेसर इसको रीड करेगा। इंटरनल बस एफएसबी जो है प्रोसेसर से आपको रैम के द्वारा आपस में कनेक्ट होती, डेटा का कम्युनिकेशन बनाने का काम करता है। क्लियर है? मेरे सर हिसाब से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। देखिए, ऐसे ही हमारे सिस्टम में सिर्फ दो बसें मेनली होती हैं, बसें तो कई हो सकती हैं। हमारे लिए हमको सीडी रोम कनेक्ट करना है, हमारे सीडी रोम आपको फ्लॉपी डिस्क है इसको कनेक्ट करना है, ये सब इसमें बने हुए हैं। लेकिन इसको दो ही हम लोग बस बोलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस आपकी इसमें रैम और प्रोसेसर के बीच में आपको कम्युनिकेट करेगी, एक्सटर्नल बस आपकी हार्ड ड्राइव यूएसबी इसके माध्यम से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। अब डेटा यहाँ से हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क से आपकी इसमें आता है मदरबोर्ड, टू वे कम्युनिकेशन चलता है। क्लियर है? हटाना है, यहाँ से हटा दिया। अब तो बस इस प्रकार से आती है। अब बस आपने जो नया सिस्टम लेते हैं या पुरानी बस है जो इस प्रकार से आपको शो होती है, एक पतली टाइप की होती है, जो हमारी दूसरी जो हार्ड डिस्क है, जो मैंने आपको दूसरी हार्ड डिस्क दिखाई थी, ये वाली, जैसे आप होती है, इसकी जो बसेस है, ये देखिए इसका पोर्ट छोटी, इसमें बस लगी। अब जो हार्ड डिस्क आ रही है सिर्फ आपकी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा,
किसका क्या है जिनका तो आपको यहाँ से इसको हम लोग जो आपका पोर्ट है ये छोटा इसमें रहता है ये वाला, ये आपके पावर के लिए है ये पोर्ट। हम लोग SMPS के माध्यम से इसमें पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो आपका डेटा इन बसों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कल मैं आपको इसकी PPT बना के दिखाऊंगा बस इसके बारे में, बहुत सारी और भी वो है आप पूरी तरह से कैसे रन करते हैं। तो आप सिलेबस में आपके जो है एक्सपेंसेस बसेस डेफिनेशन बस आर्किटेक्चर बता दिया आपको, PC XTPC ISA EISA MCA वीजा लोकल VL बस, इस बारे में बसों के बारे में आपको बताना है। कम्बिनेशन ऑफ बसेस सिस्टम AGP आर्किटेक्चर ग्राफिक पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस USB, जो हम लोग USB यूज करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस कराती है IA स्टैंडर्ड, इस बारे में आपको बताना है। क्लियर है, चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मैं आपको इसको PPT बना के बस के बारे में और समझाऊंगा।